हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा है और वेडिंग स्पेशल मेहंदी डिज़ाइन है। पता, जरूरी थोड़ी ना होता है कि अगर कहीं हम शादी में जा रहे हैं तो दुल्हन की ही मेहंदी लगी होनी चाहिए या उसके इशारों में ही मेहंदी लगी होनी चाहिए। भाई, हम भी लगा सकते हैं, हमारा भी मन करता है कि हमारे हाथ भी बहुत प्यारे प्यारे से दिखें। और जब हाथों पर मेहंदी लगती है ना तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वैसे तो पता है कि मेहंदी लगाने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि किसी भी ओकेज़न की ही ज़रूरत पड़े, जब मन आए तब लगा लो। मुझे तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। तो आज का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा है। आप देखना लास्ट इसका फाइनल लुक, सच बता रही हूँ, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ अगर पसंद आए ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं जो है ना फूल बना रही हूँ ना, आपने देखा कुछ आधे, कुछ छोटे, कुछ पत्तियाँ, कुछ इस तरीके के बना रही हूँ। कहीं मैंने सर्कल बना रखे हैं ना, तो आप देख सकते हो कि बहुत ईजी है और सिंपल शेड दिया है मैंने। शेड पता, देखिए आप जैसे अगर देना चाहते हैं ना, तो अगर आप डायरेक्ट कौन से नहीं दे पा रहे तो बहुत हल्की सी लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसमें शेड देना शुरू कीजिए ताकि जो मेहंदी है वो आपका शेड का रूप ले लेगी और बहुत ही हल्के हाथों से। वैसे तो मैंने ये मेहंदी अपनी क्लास में सिखाया भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। और हाँ, एक कल कमेंट आया था कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने कुछ ही मेहंदी की क्लासेस डाले हैं, तो बिल्कुल मैंने कुछ ही डाले हैं। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती है मैं वही मेहंदी क्लास का वीडियो अपलोड कर देती हूँ। एक्चुअली पता है क्या, देखो मैं ज़बरदस्ती किसी की कोई भी चीज़ नहीं थोपना चाहती। अगर वाकई में आप लोगों को सीखना है, आप मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं। वैसे तो जो नॉर्मली बेसिक होता है वो मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है अपने मेहंदी क्लास के वीडियो में, बट फिर भी अगर आपको कुछ और भी लगता है जो आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ या बता सकती हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और हाँ प्लीज़, देखो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना। और मेरा जो दूसरा चैनल है माधवी रश्मि ब्लॉग वाला चैनल, वो भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पे भी बड़े इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने को मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और कुछ आप लोग जब कमेंट करके मुझे बताएंगे ना तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा मेरे दूसरे चैनल को। तो यहाँ हथेली पे भी मैं बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने कलाई से थोड़ा सा नीचे की तरफ किया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मुझे शेड देना है, काफ़ी हद तक वही डिज़ाइन है, मतलब थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो पर नॉर्मली वही डिज़ाइन है, बिल्कुल सेम वैसा ही नहीं मैंने छापा है, मतलब है सारे वही स्टेप। और इनको भी मैंने शेड किया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी कि जो शेड देते हैं ना वो कितना प्यारा लगता है मेहंदी डिज़ाइन में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे तो शेड देना मेहंदी डिज़ाइन में बहुत ही पसंद आता है, मुझे बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लाइनिंग की है। पता है क्या, पहले मैंने ना तिरछी लाइनिंग कर दी थी पर वो एकदम सडनली मुझे याद आई कि अरे यार मैंने कुछ गलत कर दिया। तो मतलब एक्चुअली मैं अपने बेटे को भी साथ में बैठा रखा था, वो पढ़ रहा था, तो मेरे को ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, मुझे एक्चुअली ये सीधी लाइनिंग करनी थी फिंगर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल सा स्टेप है बट देखने में कितना प्यारा और ब्यूटीफुल सा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा होगा। तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा देने की ज़रूरत है ना। प्लीज़ जल्दी से जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आज के मेहंदी डिज़ाइन वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो मेरा कौन सा होना चाहिए, ये आप लोग मुझे डिसाइड करके बताना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।